यूपी के औरैया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर शनिवार देर रात भिवाड़ी जा रही एक निजी ट्रैवलर की बस को जिप्सी सवार आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने तमंचे व चाकू के बल पर लूट लिया। बस के शीशे तोड़ दिए, चालक व परिचालक की मारपीट भी होगी चालक व परिचालक की मारपीट भी हो गई। मामले की जानकारी चालक और परिचालक ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करके हाईवे पर पेट्रोलिंग करके जिप्सी को तलाश करने की कोशिश की, पर सफलता हाथ न लग सकी। बस चालक द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई। मौदहा से भिवाड़ी जा रही शताब्दी समय की एक बस शनिवार देर रात सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पहुंची। जालौन चौराहे के समीप चालक द्वारा दो सवारियों को बैठाया गया। इसके बाद जैसे ही बस मधुपुर नहर पुल पर साईं मंदिर के पास पहुंची, तभी पीछे से आई जिप्सी ने बस के आगे आकर उसे रोक लिया। बस के रुकते ही जिप्सी सवार बदमाश उतरे और चालक के साथ मारपीट करने शुरू कर दी। चालक के साथ मारपीट होते देख बस का परिचालक भी बीच बचाव करने लगा। इस पर बदमाशों ने परिचालक की मारपीट शुरू कर दी, उसकी जेब में पड़े 40,000 रुपये नकद निकाल लिए। कुछ लोगों द्वारा जब चालक व परिचालक की मारपीट बस की सवारियों द्वारा देखी गई तो लोग नीचे आने लगे। इस दौरान बदमाश चालक और परिचालक के दो मोबाइल, एक सवारी का मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी बस के चालक परिचालक द्वारा कोतवाली में दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए हाईवे पर गाड़ी भी दौड़ाई, जिससे कि जिप्सी सवार लुटेरे हाथ लग सके, मगर फिलहाल पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। बस चालक ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम अमित है, मैं सोनीपत रहना का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई? हमारी बस मोदा से भिवाड़ी जा रही थी जी। और यहाँ के पास में आते ही मौसम ने दो सवारी उठाई, उसके बाद ये साईं मंदिर के पास दो जिप्सी आगे गाड़ी को रोकने लगे। उन्होंने ईंट दिखाकर गाड़ी रुकवाई। आते ही हमारे कंडक्टर को बाहर खींचा और उसको थप्पड़ मारने लगे और उससे पैसे पूसे सब छीन लिए। फिर ड्राइवर को भी मारा। कितने लोग थे तकरीबन? उसमें 8 से 9 लोग थे। दो गाड़ियों से आए थे। हाँ जी। अच्छा, ये कै बजे घटना है? ये रात को 11:30 से 11:30 के बीच की घटना है। मौके पुलिस को सूचना दी आपने? मौके को पुलिस को सूचना दी थी। उनके जाने के बाद पुलिस आई थी। एक पुलिस की बाइक उनको पीछे भी गई थी पर वो हाथ में नहीं आए उनके। क्या क्या सामान ले गए? वो यहाँ से 3-4 फोन ले गए हैं। फोन दो सवारी के भी थे और बाकी हमारे कंडक्टर साहब से नकदी थी, जितने भी आने जाने की सारी ले गए। आपका रजन सिंह, क्या मामला हो गया था? हम मौदा से चढ़ के भिवाड़ी राजस्थान जा रहे थे। एक सफारी गाड़ी साईं मंदिर के पास आगे लगा दी गाड़ी को। हमने पूछा कहाँ जाओगे तो उन्होंने हमें पकड़ के उतार लिया और हमारी चक्कू लगा दी, तमंचा भी लगा दिया उन्होंने। तमंचा लगाने के बाद में जिस जेब में 40,000 रुपये थे वो निकाल लिया, हम लोगों को मारा, मेरे ड्राइवर साहब को भी मारा। और क्या ले? और गाड़ी के कांच फोड़ दिए, 3 मोबाइल ले गए। एक ड्राइवर साहब का था, एक कंपनी का था और एक सवारी का मोबाइल। क्या मामला दर्ज कर लिया गया है? मामला दर्ज हो रहा है अभी, नहीं किया। एप्लीकेशन दे दिया है। एप्लीकेशन दे दिया। तकरीबन सवारियों से भी कुछ ले गए? सवारियों से भी कुछ ले गए हैं? मोबाइल ले गए सवारियों से। कितने लोग थे टोटल? 8 लोग थे। 8 लोग किस काहे से आए थे वो लोग? सफारी थी, एक वरना कार थी। रिपोर्ट तेजस खबर।